So 2019 में आपका अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस कैसा रहा यूपीएससी का? सर मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, कुछ ब्लॉग्स पढ़े थे और चार बुक्स पता चल गई थी उससे. तो वो पढ़ के मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था और अटेम्प्ट देते ही मुझे रियलाइज़ हो गया था कि ये यूपीएससी कोई हलवा नहीं है, ये बाकी एग्जाम की तरह नहीं है. इसके लिए एक डेडिकेटेड प्रिपरेशन चाहिए होती है, स्ट्रैटेजी चाहिए होती है. तो वो कहीं ना कहीं मेरी गलती रही थी. जो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस जो मेरे 2019 के प्रीलिम्स के थे और उसके प्रिपरेशन फेज के थे, वो मैंने आगे उनसे सीख कर अपनी आगे की जर्नी प्लान करी थी. पहले अटेम्प्ट के बाद जब आपको रियलाइज हुआ कि ये हलवा नहीं है और इसके लिए थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, तो हाउ डिड योर स्ट्रेटजी चेंज? फिर आपने अगले अटेम्प्ट के लिए, सेकंड अटेम्प्ट के लिए क्या चेंजेस करे? इफ यू कुड आल्सो गाइड अस ऑन द रिसोर्सेज और वेदर जो प्रिपरेशन थी वो क्या प्रीलिम्स सेंट्रिक थी या मेन सेंट्रिक थी या दोनों कंबाइंड थी, उसके बारे में प्लीज बताएं थोड़ा. सर प्रीलिम्स के बाद मैंने 10 डेज ऑफ लिए. आई डिसाइडेड टू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम फर्स्ट. तो मैंने पूरा डिटेल स्टडी उसके सिलेबस की करी, व्हाट ऑल इज आस्क्ड इन द मेन सिलेबस. उसके साथ साथ मैंने काफ़ी टॉपर्स टॉक देखी और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी. तो सर मैंने अपना पूरा स्केड्यूल, पूरा प्रिपरेशन स्केड्यूल 3 फेजेस में डिवाइड कर लिया था. फर्स्ट फेज वॉज फॉर स्टार्टिंग 2-3 मंथ्स, जिसमें माई फोकस वॉज ऑन ऑप्शनल एंड 70% ऑफ द टाइम आई यूज टू डू ऑप्शनल एंड 30% ऑफ द टाइम आई यूज टू डेडिकेटेडली प्रिपेयर फॉर GS. GS में आई स्टार्टेड विद दोज पोर्शन विच कनेक्टेड मोर विद द करंट अफेयर्स, विद द न्यूज़ पेपर, लाइक पॉलिटी, लाइक IR. एंड देन सेकेंड फेज में वॉट एवर वॉज लेफ्ट फ्रॉम द ऑप्शनल I completed that and 70% of the preparation was dedicated to the GS preparation. Okay. I decided to complete the entire syllabus by December end. Okay. And join the test series for the mains from January. Okay. I wrote 4 to 5 exams, 4 to 5 papers before the prelims. The last 2 months I was dedicatedly preparing for prelims. Okay. And sir, for the resources, I refer to the basic books only. For example, GS1, it was major overlap with the prelims. So, जो resources थे prelims के और mains के, मैंने same ही रखे. History के लिए मैंने spectrum use करी थी. Geography के लिए मैंने NCERT और मृणाल सर की PPTs जो हैं, videos जो हैं YouTube पर, वो refer करी थी. सोसाइटी के लिए मैंने NCERTs करी थी. आर्ट एंड कल्चर के लिए भी मैंने तमिलनाडु की NCERT करी थी. एंड सर GS2 के लिए करंट अफेयर्स से ज़्यादा लिंकेज रहती है, तो करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस रहता था. इसके साथ साथ लक्ष्मीकांत करी थी. गवर्नेंस के लिए मैंने सेकेंड ARC रेफर करी थी. IR के लिए भी जो करंट अफेयर्स की मैगजीन्स होती है, कंपाइलेशंस होती हैं, उनको रेफर किया था. सर GS3 के लिए इकोनॉमिक्स तो मेरा ऑप्शनल ही था, तो कुछ अलग से प्रिपेयर नहीं किया, लेकिन जो टर्म्स मेंशन थे उसमें, उस पर नोट्स ज़रूर बना लिए थे मैंने. सिक्योरिटी के लिए भी मैंने अपने ही नोट्स बनाए थे, कुछ वीडियोस से बनाए थे, कुछ मटेरियल से बनाए थे जो ऑनलाइन अवेलेबल होता है. साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट काफ़ी डायनामिक रहता है, वो भी मैंने करंट अफेयर्स से ही किया था. डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए मैंने रोमन सैनी सर की वीडियोज़ जो हैं यूट्यूब पर, वो रेफर करी थी. सो ब्रॉड सोर्सेज यही थे. और GS4 के लिए जो एक एक टर्म्स होते हैं उन पे मैंने अपने डेफिनेशन रख ली थी. जो हिस्ट्री से एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे राजा राममोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उनको यूटिलाइज किया था और अपने खुद के नोट्स बनाए थे. सो माय आइडिया ऑफ कवरिंग द सिलेबस वाज कि हर एक वर्ड पर मेरे खुद के नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए. प्रीलिम से पहले ही आइडिया ये था कि मेरी मेंस की प्रिपरेशन पूरी हो जाए. ऑल्दो पूरा तो नहीं हो पाता है, लेकिन 80% भी हो जाए तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जरूर आ जाता है. तो मेंस की प्रिपरेशन और प्रीलिम्स की प्रिपरेशन जब इंटीग्रेटेड रहेगी, तो वो जो टाइम मिलता है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, तब एक टारगेटेड रिवीजन हो सकती है. मल्टीपल टेस्ट सीरीज आप दे सकते हैं. अब तो क्योंकि प्रीलिम्स भी काफ़ी सब्जेक्टिव होता जा रहा है, तो अगर आपका मेंस का पर्सपेक्टिव पूरा है, मेंस के पर्सपेक्टिव से आपने अगर प्रिपरेशन करी है, तो वो प्रीलिम्स में भी आपके ज़रूर काम आएगा.